जी दोस्तों, आज मिसाइल के बारे में जानते हैं। मिसाइल जो है दोस्तों, किसी दो देशों के बीच में अगर युद्ध छिड़ गया तो जिस देश के पास जितना पावरफुल मिसाइल रहेगा उसी देश को जो है युद्ध जीतने की संभावना अधिक रहेगी। मिसाइल वैसे दो टाइप के होते हैं, आपका एक पहला क्रूज मिसाइल हो गया, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। क्रूज मिसाइल जो होता है दोस्तों, इसका रेंज जो होता है 1000 से कम होता है। यह जेट इंजन की तरह पृथ्वी की सतह के समानांतर जाता है। क्रूज मिसाइल अपना ईंधन टैंक जो है लेके चलता है और इसमें इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन जो है हवा से ही ले लिया जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन किसी लक्ष्य पर गिरता है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसी श्रेणी में आता है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल जो है, इसका रेंज काफ़ी अधिक होता है दोस्तों। इसमें 4 खंड होते हैं जो पहले सीधे ऊपर जाता है रॉकेट की तरह और फिर हल्का हल्का बेंड होता जाता है, मतलब ये इनका पथ जो होता है अर्धचंद्राकार होता है। यह 3 चरणों में होता है, जमीन से हवा और फिर जमीन पर। पहले चरण में गाइड किया जाता है, उसके बाद का पथ जो है कक्षीय यांत्रिकी यानी ऑर्बिटल मैकेनिक्स और बैलिस्टिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण से नियंत्रित नहीं होता है, मतलब इसकी गति पर कोई और प्रणाली काम कर रही होती है। गति के आधार पर क्रूज मिसाइल भी वैसे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, दूसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, तीसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल ही है और अग्नि मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। मिसाइल भी वैसे 2 तरह के होते हैं, एक गाइडेड मिसाइल होता है, एक अनगाइडेड मिसाइल होता है। गाइडेड मिसाइल में क्या है ना दोस्तों, इसमें जो मिसाइल को लॉन्च करने के बाद या छोड़ने के बाद मतलब इसका रास्ता जो है बदल सकते हैं और इसे ही गाइडेड मिसाइल कहते हैं। जैसे आपका GPS सिस्टम द्वारा रास्ता बदल सकते हैं, इंफ्रारेड लेजर लाइट द्वारा रास्ता बदल सकते हैं, या तो कैमरा लगा के रास्ता बदल सकते हैं। और अनगाइडेड मिसाइल जो होता है, इसका रास्ता नहीं बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे हो गया नाग मिसाइल, हो गया छोड़ो और भूल जाओ। नाग मिसाइल बहुत ही खतरनाक है।